मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज यानी मधुमेह सुगर, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मधुमेह क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें मैं डायबिटीज की ऐसी मेडिसिन बताने जा रही हूँ होम्योपैथिक, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो स्टार्ट करते हैं। आजकल के बिजी लाइफ में अनियमित जीवन शैली के चलते लोग जिस बीमारी से सबसे ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं वो है डायबिटीज। इस बीमारी का एक जो सबसे बुरा साइड है वो ये है कि ये खुद तो होता है और अपने साथ में अन्य कई बीमारियों को भी बॉडी में ले आता है। पहले तो ये बीमारी जो है डायबिटीज जो है वो 40 साल से ऊपर की एज ग्रुप में देखने को मिलता था, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है कि इसका कोई एज ग्रुप नहीं रह गया है, कम एज वाले लोगों में भी पाया जाता है। तो यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। और अब हम जानते हैं कि डायबिटीज यानी मधुमेह क्या है। जब पैनक्रियाज में इंसुलिन जो है, पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक विसराय पार्ट है, ऑर्गन है ये, तो जब पैनक्रियाज में इंसुलिन जो है वो सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंच पाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। और जब इसी कंडीशन को, कि ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज। एक्चुअली जो इंसुलिन है वो जो हमारी पाचक ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसका एक हार्मोन है, उसके थ्रू सिक्रीट होता है, बनता है। तो इसका काम जो हमारे बॉडी में जो फूड जा रहा है, खाना जा रहा है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। लेकिन डायबिटीज होने के बाद से ये जो प्रोसेस है ये नहीं हो पाती है सही ढंग से, तो जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और जो इंसुलिन है उसका एक मेन काम ये भी है कि वो शुगर लेवल को, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है। और लेकिन डायबिटीज होने की वजह से इसका लेवल बढ़ता रहता है, और ये जो है ऐसा होने से बॉडी के जो अदर पार्ट्स है उनको भी हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज के टाइप्स के बारे में, कि डायबिटीज के टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें पहला है टाइप वन। टाइप वन में आता है जो जेनेटिक कॉज होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो डायबिटीज है ये एक आनुवांशिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकती है। तो अगर आपके फैमिली में, जैसे आपके दादी दादा को या आपके पेरेंट्स को, किसी को भी अगर डायबिटीज की शिकायत है, मधुमेह है, शुगर है, तो उस केस में आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये बहुत ही कॉमन है। और सेकेंड टाइप आता है जो कि आपकी अनियमित जीवन शैली की वजह से होता है, टाइप टू के अंतर्गत रखते हैं इसको हम, कि अगर आपकी जो दिनचर्या है वो खराब है, खाने पीने का ढंग खराब है, प्रॉपर नींद आप नहीं ले रहे हैं और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ये सब, इन सब की वजह से जो डायबिटीज होता है वो टाइप टू के अंतर्गत आता है। इसका जो मेन कॉज है वो जेनेटिक होता है। पहला जेनेटिक है कि जो अनुवांशिक होता है, और दूसरा जो आपकी इम्प्रॉपर जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, गलत ढंग से जो जीते हैं जिंदगी, टाइम पे अपना खाना नहीं खाते हैं और कोई वर्कआउट नहीं करते, तो उन लोगों में जो मिलता है, ये जो है दोनों, ये मेन कॉमन कॉज है इसकी। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, जिसमें पहले आता है पॉलीयूरिया। जो पेशेंट होगा मधुमेह का, डायबिटीज मेलिटस का, तो उसमें जो है पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। पॉलीयूरिया मींस कि बहुत ज्यादा यूरिन पास होना, पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा। सेकेंड आएगा पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मींस एक्सेसिव हंगर, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार खाने की क्रेविंग होती है। और थर्ड पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मींस बहुत ज्यादा थ्रस्ट होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार पानी पीना। ये तीन इसके मेन सिम्टम है। इसके अलावा जो पेशेंट होगा मधुमेह का, उसकी जो आंखें होंगी वो कमजोर हो जाती हैं,
उसको चक्कर आते हैं, कोई भी चोट है, घाव है, वो जल्दी हील नहीं हो पाता है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें। तो इस ये हैं इसके मेन सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि हम डायबिटीज से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, यानी जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और साथ ही साथ जिनको नहीं है वो अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं अपना ध्यान रख के। इसमें सबसे पहला आता है रेगुलर टेस्ट। शुगर के का आपको रेगुलर टेस्ट कराना है, इसका फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल जो होता है दोनों टेस्ट कराना जरूरी है रेगुलर टाइम पे, एक जिससे कि आपको पता चले कि इस टाइम पे आपका लेवल शुगर लेवल क्या चल रहा है। जो आपका फास्टिंग है, फास्टिंग में आपका जो शुगर लेवल है वो 110 से कम होना चाहिए, और पोस्ट प्रांडियल यानी खाना खाने के बाद 140 से बिलो होना चाहिए जो नॉर्मल शुगर लेवल है। और हर 3 महीने पे HbA1c जो टेस्ट है इसको रिपीट कराना चाहिए, इससे आपका जो पर्याप्त शुगर लेवल आपकी बॉडी में है इसका पता चल जाएगा। और नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आपको जो वर्कआउट है वो जरूरी है। जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, कोई कुछ काम नहीं करते हैं, वर्कआउट जिनका कुछ नहीं होता है उन लोगों में क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, इसलिए खुद को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डाइट। जो डाइट है अपना आजकल, जैसे आपको बताया कि लोग अनियमित उनकी लाइफस्टाइल हो गई है उस वजह से वो कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो इससे उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से जो अपने डाइट है उसका एक खास ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आप इससे बच सकें। तो इसमें जो है फास्ट फूड को नहीं लेना है, नहीं यूज करना है, और साथ ही साथ में जो हेल्दी डाइट है उसको यूज करना है। जो आप चपाती बना रहे हैं उसमें आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ साथ में एक पार्ट चने का और एक पार्ट जौ का मिला करके तब उसकी रोटी खाएं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। हरी साग सब्जियां खाएं, वो आपके लिए, उससे आप फिट रहेंगे। और साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा खाएं, जो खाना आप 3 बार में खा रहे हैं उसे 5 से 6 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए जिससे कि वो डाइजेस्ट होता रहे। और इसके साथ स्मोकिंग और जो अल्कोहल, इनका परहेज करना चाहिए, इसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भी ये, इससे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो खराब होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि हम कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दे सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो है सिजिजम जम्बुलेनम। सिजिजम जम्बुलेनम को हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज करेंगे, ये बेस्ट मेडिसिन है शुगर के लिए। जिन लोगों को शुगर है अगर वो इसको रेगुलर यूज करेंगे तो उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। तो इसको जो 10-10 बूंद लेंगे दिन में 3 बार, 1/4 कप ल्यूकवार्म वाटर लेंगे और उसमें 10 बूंद इसका मेडिसिन का डाल करके दिन में 3 बार यूज करना है। डाइबो हर्ब जो मैं बताने जा रही हूँ, डाइबो हर्ब ओरल लिक्विड है, दिन में 3 बार यूज करना है, 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। ये दोनों ही मेडिसिन आप रेगुलर अगर यूज करेंगे तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन हाँ साथ में खाने पीने में परहेज करना और अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।